हाय फ्रेंड्स, मैं गीता सक्सेना फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल कुक विद गीता में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीन्स और आलू की बिल्कुल सरल सी बहुत अच्छी सी सब्जी, जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बीन्स को मैंने काट के, ये देखिए बीन्स काट के और धो के आलू दोनों एक साथ ही रख लिया है, क्योंकि एक साथ ही पकना है तो एक साथ ही काटना है, अलग अलग तो पकना नहीं है कि अलग अलग काट के रखो। और ये मैंने रखा ढेर सारा लहसुन छील के, इसके अलावा टमाटर काट के रखे हैं, ये अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, धनिया और ये बेसिक मसाले। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ बीन्स की सब्जी। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पहले से ही, जब मैं लहसुन छील रही थी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जिससे काम जल्दी हो जाता है। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, इसमें ऑयल भी डाल दिया है, तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका। अब मैं डालती हूँ इसमें ये लहसुन जो मैंने काट के छील के, इस तरह से आप बनाइए, ज़्यादा लहसुन इतना, इसमें प्याज व्याज की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये लहसुन भुन जाएगा तब इसमें मैं डाल दूंगी ये हरी मिर्च। ये देखिए लहसुन थोड़ा सा भुन चुका है, ज़्यादा नहीं भुनना है इसको। अब मैं डाल दूंगी इसमें और इन दोनों को अच्छे से भून लेना है। देखिए लहसुन भुन चुका है, हरी मिर्च भुन चुकी है। अब मैं डालूंगी इसमें ये हल्दी पाउडर, टमाटर अभी नहीं डालने हैं। ये हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें ये बीन्स और आलू। इस तरह से आप बनाइए बीन्स आलू, बहुत ही टेस्टी बनती है बिना प्याज के। अब इसको मिक्स करना है। आप अपने हिसाब से रखिए सब्जी, जितना आपके परिवार में लोग हैं, मैंने अपने हिसाब से रखी है, आप ज़्यादा कम बना सकते हैं। इसमें अब मैं डालूंगी इसमें ये धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हो कम ज़्यादा, और साथ में थोड़ा सा साथ में गर्म मसाला डालने से ये होता है कि जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं तो गर्म मसाला उसे अच्छे से मिक्स हो जाता है, बाद में डालने से फिर वो अच्छे से मिक्स हो पाता है। इसलिए गर्म मसाला हमेशा सूखी सब्जी में साथ में डालिए, तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया इसको। अब मैं सबसे लास्ट में इसमें क्या डालूंगी, जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए इनको मैं ऊपर से डालूंगा। इसको मिक्स करके इस तरह से आप बनाइए बीन्स की, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पानी तो कभी डालती नहीं हूँ सूखी सब्जी में, तो पानी मैं बिल्कुल डालूंगी नहीं। बस अब इसको मिक्स करके सिर्फ इसको मुझको गैस को धीमी कर दिए, धीमी करके बस इसको सिर्फ ढक देना। चलिए फिर देखती हूँ थोड़ी देर बाद, करीब 10 मिनट हो चुके हैं और सब्जी मैंने बीच में 2-3 बार चलाई थी, क्योंकि इसमें पानी नहीं था, इसको इसके बीच बीच में चलाना पड़ता, नहीं तो ये बिल्कुल से जल जाएगी, लग जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, बिना पानी सब्जी की शक्ल कुछ अलग ही होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और देखने में बहुत अच्छी होती है। ये देखिए बन चुकी हमारी सब्जी। अब इसमें मैं डालती हूँ धनिया, और इसको एक बार फिर मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से आप बनाइए बीन्स की सब्जी, बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल देखिए होटलों वाली लग रही है। देखिए इसमें टमाटर बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, टमाटर अलग दिख रहे हैं, जिस तरह से होटलों में बनती है उस तरह से बिल्कुल, तो इस तरह से आप बनाइए सब्जी बीन्स की, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको ये सब्जी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए।